हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ चाट शेयर करने जा रहे हैं, बनारसी चाट, जो कि हमें टमाटर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमने ये 5-6-7 टमाटर काट लिए थे और ये 5-6-7 आलू हमने लिए हैं। अब इसको ग्रिंड करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब कढ़ाई में हम घी डालेंगे। ये देखिए, हमने 2 चम्मच इसमें घी ऐड करना है। ये 2 चम्मच हमने घी ऐड कर दिया है। अब ये घी हमारा गर्म हो जाए फिर इसमें हम ये जीरा ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने ये जीरा लिया है। अब जीरा हमारा अच्छी तरह चटक जाए फिर हमें इसमें ये टमाटर ऐड कर देना है। हमें इसमें टमाटर ज़्यादा ही चाहिए क्योंकि हमें ये बनारसी चाट बना रहे हैं। बनारसी चाट में ज़्यादा टमाटर लगता है और बहुत ही सस्ते और बहुत ही कम दामों में हम आपको बता रहे हैं अपने घर पर आप कैसे आसानी से बना सकते हैं। और इसे थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। ये देखिए, हमने आलू को घिस लिया है। अब ये देखिए, हमारे टमाटर हो चुके हैं। अब हम अपने टमाटर को थोड़ा सा चलाएंगे और इसे अच्छी तरह से फोड़ देंगे, पूरा बढ़िया से अच्छे से उसमें मिक्स कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे तरह गल जाए। ये देखिए, हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं पूरा। अब इसी के संग ये देखिए, हमारा पूरा टमाटर हो चुका है। अब इसी के संग हम मसाले भी ऐड करेंगे। ये हमारा टमाटर पूरा अच्छी तरह से गल गया है, ऐसे ही गलाना है। अब ये देखिए, 1 चम्मच हमने हल्दी ऐड कर दिया है, 1 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। अब मिक्स करके 1 चम्मच ये काला नमक हमने लिया है, 1 चम्मच खाने वाला नमक हमने लिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, काले नमक से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और ये सभी अपने मसाले हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये हमारा अच्छी तरह से टमाटर पक जाए और मसाले भी हमारे सारे मिक्स हो जाएं। अब हमें थोड़ी देर ऐसे इसको ढक देना है। थोड़ी देर इसको ढकेंगे फिर उसके बाद ये देखिए, हमारे टमाटर बिल्कुल पक चुके हैं। प्यूरी हमारी बिल्कुल पक गई है। अब इसमें हम ये मिर्च ऐड कर देंगे जो हमने बारीक काट कर रखी हुई है। मिर्च से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप मिर्च को कम भी कर सकते हैं, लेकिन मिर्च से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें हम ये आलू भी ऐड कर देंगे अब, जो हमने ग्रिंड करके रखा था। अब ये हमारी चाट बहुत ही बढ़िया तैयार होने वाली है। आपको ठेले पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पर बिल्कुल कम और सस्ते दामों में आप बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया चाट। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने ये जीरा पाउडर लिया है जिसे हमने घर पर उसको अच्छे से भून के क्रश कर लिया है। और ये हमने चाट मसाला लिया है और ये काला नमक थोड़ा सा हमें और ऐड कर रहे हैं। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिएगा, हमने थोड़ा कम ही डाला था इसलिए हम थोड़ा सा और डाल रहे हैं। और ये कसूरी मेथी हमने डाली है इसमें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चाट का। इससे हमारी चाट बहुत ही अच्छी तैयार होने वाली है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा चाट ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, आप इसे अपने घर पर बनाइए और बढ़िया सा चाट खाइए।
देखिए कितना ही बढ़िया हमारा चाट बनकर रेडी है। तो अब हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा चाट हुआ है। अब हम इसमें ये थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे सभी कटोरियों में। घी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद हम ये ऊपर से इसके चटनी डालेंगे। ये मीठी चटनी हमने घर पर बनाई है टमाटर की। अब इसके ऊपर से ये चटनी ऐड कर देंगे। चटनी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, आप देख सकते हैं कैसे हमने बनाया है। ऐसे आप भी बनाइए इसी मेथड से तो आपका बहुत अच्छा होगा। ये देखिए हमने ये हरी चटनी बनाई है, इसको भी ऊपर से ऐसे मिक्स करना है। ऐसे ऊपर से इसको डाल दीजिए। एक बार ऐसे ट्राई कीजिए, देखिए कितना अच्छा चाट होता है ये। इसके ऊपर हमने ये मूली घिस कर रखी है, उसको हम ऐड कर रहे हैं। और सभी कटोरियों में हमें मूली को ऐड कर देना है। अब ये हमने प्याज काटी है बारीक, उसको चॉप कर लिया है। सभी कटोरियों में हम इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से मिक्स करेंगे। इससे हमारा चाट बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होगा। ये देखिए अभी हमने धनिया लिया है जो बारीक मैंने चॉप कर लिया है, इसको भी ऊपर से हल्का सा गार्निश करने के लिए डालेंगे। इससे आपका चाट दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और ये हमने नमकीन लिया है, इसको भी ऐसे ऊपर से ऐड कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारी चाट कितनी बढ़िया बनकर तैयार है। अब आपको बिल्कुल भी ठेले पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ऐसे बढ़िया चाट बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए चाट बिल्कुल बनकर रेडी है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो।